हमारे साथ इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कॉलर और पीएचडी के स्टूडेंट को डिग्री भी मिल चुकी है डॉक्टर दानिश रहीम है, और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना इनके लिए महंगा पड़ गया है, और अब एमयू का जो प्रशासन है इनसे जिस भाषा विज्ञान में इनको पीएचडी की डिग्री दी गई थी उसे वो वापस मांग रहे हैं। हम डॉक्टर दानिश से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर दानिश, आप बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने जो तारीफ की थी पिछले साल, उस वजह से उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है और आपकी जो डिग्री है पीएचडी की वो आपसे वापस मांगी जा रही है, कितना सच है? 100% सच है। एक एक डॉक्यूमेंट डे वन से, जिस दिन से मेरा एडमिशन हुआ है 27 अक्टूबर 2016 से लेकर और मुझे डिग्री मिली है 9 मार्च 2021 तक, एक एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा सकता हूं, आप चेक करा सकते हैं। एक एक चीज लिंग्विस्टिक्स की है। मेरी थीसिस जो चेक होने गई, जो इंटरनल और एक्सटर्नल जाती है, एक दिल्ली गई है प्रदीप कुमार दास साहब के पास, जो कि जाने माने लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर हैं दिल्ली में। उन्होंने मेरी थीसिस चेक करी है, उन्होंने लिंग्विस्टिक्स की मुझे रिपोर्ट दी है। एक जो हिंदुस्तान के बाहर गई चेक होने के लिए गल्फ में, वो भी मेरी जो है लिंग्विस्टिक्स की है। मेरा एक एक डॉक्यूमेंट लिंग्विस्टिक्स का है। लेकिन ये पूरी सियासत, पूरा कामधाम जो किया है मौजूदा चेयरमैन जहांगीर वारसी ने किया है। मौजूदा चेयरमैन जहांगीर वारसी ये नहीं चाहते कि डिग्री के बाद मैं नौकरी में डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करूं, और करूं तो मुझे कैंसिल कर दें लैम्प के नाम पर। ये जो मेरा वायवा हुआ था 8 फरवरी 2021 को, उससे 2 या 3 दिन पहले मेरी जब चेयरमैन से मुझे कमरे में बात हुई, उन्होंने कहा आपका 8 तारीख का वायवा है, हमने डेट फिक्स करती है, एग्जामिनर से भी बात हो गई है, लेकिन आपने जो वो इंटरव्यू दिया था पीएम मोदी के फेवर में, जो जा रहा था कि बिल्कुल राइट विंग के आप आदमी लग रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहिए। वो एक बात हो गई, उसके बाद खत्म हुई। फिर मेरी डिग्री अवार्ड होने के 6 महीने बाद मुझे 4 अगस्त को एक लेटर प्राप्त होता है कि हमने आपको अनजाने में डिग्री दे दी है। अब आप सोचिए देश की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, करोड़ों का बजट है, दुनिया से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आता है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या ये कर सकती है? आपकी डॉक्यूमेंट देख के तो लगता नहीं कि अनजाने में कुछ हुआ होगा। आपके सामने है, ये हम दिखा रहे हैं कि ये पीएचडी की डिग्री इनकी है, लिंग्विस्टिक्स में साफ मेंशन है, ये 2016 के लेटर है जी, इंटीमेशन इसी के अकॉर्डिंग मुझे एडमिशन मिला, पीएचडी डिग्री इन लिंग्विस्टिक क्लियर मेंशन है, द नेम ऑफ सुपरवाइजर एंड टॉपिक इज गिवन बिलो, और टॉपिक इनका क्या है, न्यूज टॉक इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग द लैंग्वेज ऑफ हिंदी उर्दू न्यूज मीडिया, और ये 2020 के पेपर हैं। अगर इसमें भी देखिए उसी टॉपिक की बात हो रही है, मौजूदा चेयरमैन के सिग्नेचर है, जो ये कह रहे हैं कि मेरा काम ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर दानिश, कि सारे डॉक्यूमेंट्स से देखें तो सब जगह मेंशन है कि आप लिंग्विस्टिक में पीएचडी कर रहे हैं। सियासत है मौजूदा चेयरमैन की, और कहते हैं ना गांव की लैंग्वेज में कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, टारगेट मैं हूं, नुकसान और भी बच्चों को हो रहा है। जो मुझसे सीनियर है, मेरे भी सीनियर डॉक्टर मारिया नईम, उनको नवंबर 2020 में डिग्री मिली थी, उनको भी एएमयू ने सेम ये लेटर 4 अगस्त को थमा दिया, वो भी बेचारी कोर्ट में है। 2 मौजूदा स्टूडेंट हैं आरफिन जीशान और खुसरो मुइन, उनके सुपरवाइजर डॉक्टर सवाउद्दीन साहब चेयरमैन के प्रेशर में उनको मेल करते हैं कि अगर आप लिंग्विस्टिक्स की बात करेंगे तो मैं अपने सिग्नेचर विदड्रॉ कर रहा हूं एज ए सुपरवाइजर, आप लैम्प में अगर डिग्री लेंगे तो मैं आपको आगे पीएचडी कराऊंगा। ये उनसे कब कह रहे हैं, दोनों बच्चों से 3.5 साल बाद। डॉक्टर दानिश, एमयू में अक्सर कंट्रोवर्सी बड़ी होती है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि जिन्ना की तस्वीर लगती है, कहीं किसी दिक्कत नहीं होती, लेकिन मोदी की तारीफ कर दी जाए, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर जाए तो कुछ लोगों को बुरी लगती है, ऐसा क्यों? ये सोच है इनकी, जिन्ना के फोटो तो और बड़े बड़े जाते हैं ये, इनका बस चले बाबा सैयद पर टांग दे, लेकिन मैंने जो देश के पीएम की तारीफ की, जो अच्छे काम वो कर रहे हैं। ऐसा क्या बोला था आपने पीएम के बारे में? बहुत ज्यादा, मैं क्या बोलूं, मैं आपको इंटरव्यू दे दूंगा जो मेरा था, मैंने देश के पीएम की तारीफ करी, उनका शुक्रिया अदा करा कि जिस तरह उन्होंने एमयू को संबोधित किया, जो लोगों की एक ज़हनियत थी कि मोदी साहब ये और बीजेपी ये और ये सब वो, उन्होंने साफ साफ इतनी बड़ी बात कह दी कि एमयू जो है वो मिनी इंडिया है, और अब एक पीएम से क्या और चाहते हैं। उन्होंने सर सैयद को कोट किया, जिस तरह उन्होंने सारी बातें कोट की कि सर सैयद जिस तरह चाहते थे कि एक इदारा बने, लोग एक साथ पढ़ें, हर मजहब हर कौम के बच्चे पढ़े, वो पढ़ते हैं, आपके सामने टॉप करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यही मैंने तारीफ करी। तो मैंने आपके चेयरमैन ने आपको बुलाया, कहा कि तारीफ नहीं करनी चाहिए थी जी, 8 फरवरी से पहले उनकी जब मेरी उनके कमरे में बात हुई, उन्होंने कहा कि आपका वायवा की डेट 8 फरवरी है और ऐसे ऐसे आपका वायवा होना है, आप तैयारी कीजिए, लेकिन ये बात मेरी आपको पसंद नहीं आई। उसी के चलते आप सोचिए सारे डॉक्यूमेंट मिल गए, अब 6 महीने बाद मुझसे कहा जा रहा है, 1 साल बाद उस बेचारी लड़की से कहा जा रहा है, और अगस्त के बाद सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में आरफिन जीशान और खुसरो मुइन से ये कहा जा रहा है कि हम आपको पीएचडी नहीं कराएंगे,
जब तक आप लैम लिख के नहीं देंगे। तो एएमयू की हिस्ट्री की बात करें, कभी ऐसा हुआ किसी को पीएचडी डिग्री मिलने से वापस लेने की बात की जाए? कभी नहीं हुआ। मैं आपको एक मिसाल और दे रहा हूं, अगर आप चलाएं तो, दो लेडीज, दो लड़कियां थी हमारे डिपार्टमेंट में, समाना असगर और राबिया, जिन्होंने सिर्फ डिपार्टमेंट से एमए लिंग्विस्टिक्स किया था। समाना असगर और राबिया सिर्फ एमए लिंग्विस्टिक्स किया था, पीएचडी में उनका एडमिशन लिंग्विस्टिक्स में नहीं था। पीएचडी में उनका एडमिशन था सेंटर फॉर कंपेरेटिव स्टडीज, सीसी सिल्क, सेंटर फॉर कंपेरेटिव स्टडीज, लेकिन वो सेंटर बंद हुआ। और क्योंकि उस सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर फसी थे, जो डिपार्टमेंट में चेयरमैन भी रह चुके थे और डिपार्टमेंट के मोस्ट सीनियर प्रोफेसर थे, तो सेंटर बंद हो गया। प्रोफेसर फती डिपार्टमेंट में रहते थे, तो उन दोनों लड़कियों को प्रोफेसर फती ने पीएचडी कराई और उनको डिग्री भाषा विज्ञान की दी है। अब आप सोचिए हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, मैं 11 साल से डिपार्टमेंट में हूं, एक एक चीज आपके सामने लिंग्विस्टिक्स की है, तो मुझे डिग्री लिंग्विस्टिक्स ही नहीं दे रहे, लेकिन दो लड़कियां जो लिंग्विस्टिक्स की बेंच, जिनका एडमिशन भी नहीं था, उसको डिपार्टमेंट ने भाषा विज्ञान की डिग्री दी है, क्योंकि जब ये मौजूदा चेयरमैन जहांगीर वारसी नहीं थे। तो इसका नुकसान आपको ये होगा कि जो नए कोर्स में, नए सब्जेक्ट में पीएचडी की डिग्री की बात की जा रही है, माना यार गलती से आपको रिजर्वेशन मिल गया, इससे आपको जॉब नहीं मिलेगी, शायद यही एक प्लानिंग आप मानते हैं। बड़ी बात तो डिपार्टमेंट मुझे एलिजिबल नहीं कर रहा। Okay. आप बाकी एएमयू की, बाकी हिंदुस्तान की, बारी दुनिया की तो छोड़िए, जो डिपार्टमेंट मुझसे कह रहा है, जो चेयरमैन ने सब कुछ किया है, वो डिपार्टमेंट मुझे लैम की पीएचडी की डिग्री लेने के बावजूद भी डिपार्टमेंट में मेरा फॉर्म कैंसिल किया जा रहा है। अभी अगस्त 2021 में मैंने गेस्ट फैकल्टी का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल किया था, चेयरमैन ने मेरा फॉर्म कैंसिल कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे? आप चिट्ठी, जैसा आपने लिखा पीएम को, नरेंद्र मोदी चिट्ठी आपने लिखी, योगी को चिट्ठी लिखी है, क्या आप चाहते हैं कि दोनों इंटरफेयर करें, दोनों इंटरफेयर करें, एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान जी इंटरफेयर करें, एएमयू के वाइस चांसलर से बात करें और कहें कि किस ग्राउंड लेवल पर आपने नोटिस निकाला है, उस नोटिस को तत्काल वापस लिया जाए। आपको लगता है इससे आपका करियर चौपट हो सकता है, जो ये बात की जा रही है कि गलती से आपको? बिल्कुल चौपट है, आप बताइए ना, मैं तो साफ कह रहा हूं, आप चेयरमैन की बाइट लीजिए, डिपार्टमेंट जाके चेयरमैन से पूछिए कि क्या आप लैम के स्टूडेंट को नौकरी में एलिजिबल कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में? वो कहेंगे नहीं, वो कह रहे हैं हमें कोर लिंग्विस्टिक्स चाहिए। आप अभी जाके चेयरमैन से, जहांगीर वारसी से पूछिए। मैंने 42 सवाल की आरटीआई डाली, जिसमें सवाल नंबर 35 मैंने पूछा, क्या डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे टीचर हैं जिनके पास लैम का एक्सपीरियंस है, जो मीडिया पर, एडवर्टाइजिंग पर, मार्केटिंग पर काम कर चुके हैं, जिस बिहार पे वो पीएचडी करा रहे हैं? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि डिपार्टमेंट में ऐसा कोई टीचर ही नहीं है। अब बताइए चेयरमैन, ये मैं आपको दिखा सकता हूं अभी मोबाइल में, आरटीआई का अपने चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई टीचर नहीं है इस स्पेशल एरिया का, तो किस ग्राउंड लेवल पर वो पीएचडी करा रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी जो एलिगेशन लगाई है डॉक्टर दानिश ने, और हम इसको लेकर के एएमयू प्रशासन से भी अप्रोच कर रहे हैं और उनसे भी बात करने की, उनका भी वर्जन लेंगे कि आखिर इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं। जैसा दानिश जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सच है, क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ, या फिर वाकई में कोई ये एक ह्यूमन एरर हुई है, ये जानना बहुत जरूरी है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, अलीगढ़। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।